तो आज हेड का लिया हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि आपके बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड है, जो मिनरल्स है, जो भी चीज है, उसको एक बॉडी से, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ले जाना। तो हम जो इसमें पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में। सो ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंसिस्ट होता है पहला ब्लड, दूसरा इन ब्लड में ले जाती है ब्लड वेसल्स, और तीसरा ह्यूमन हार्ट जो इनको पंप करती है। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज अ पंपिंग डिवाइस। ब्लड वेसल्स की बात करें, ये तीन तरह की होती है। पहला आर्टरीज, दूसरा वेन, और तीसरा कैपिलरीज। बात करें आर्टरीज की, इसके आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। बात करें वेन को, इट कैरी CO2 ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, एंड कैपिलरी जस्ट कनेक्ट और जॉइन आर्टरीज एंड वेन। इसका मोटा मोटा स्ट्रक्चर देखा जाए कुछ ऐसा होता है, आर्टरीज की वॉल थिक होती है। आर्टरीज की वॉल क्या होती है? थिक होती है। क्यों थिक होती है? बिकॉज इसमें ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है, तो डायरेक्ट हार्ट से निकल रही है। उसके बाद इनको कनेक्ट करती है कैपिलरीज। कैपिलरीज थिकनेस होती है वन सिंगल सेल की, पतली पतली होती है, इसकी थिकनेस होती है एक सेल के बराबर, एक सेल के जो डायमीटर होता है उसकी थिकनेस होती है। और उसके बाद कनेक्ट होता है आपका वेन, इससे वेन। क्योंकि आर्टरीज में ब्लड का फ्लो इतना ज्यादा होता है, यानी इतने हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है, इसको कोई वॉल्स की जरूरत नहीं होती। वॉल्स मतलब कहीं यहाँ पे ब्लड जो है वो बैक फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे ब्लड जो है वो बैक फ्लो नहीं करेगा, यानी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए आर्टरीज में कोई वॉल्स की जरूरत नहीं होती है। आर्टरीज होती है वो थिक वॉल होती है। क्या होती है? थिक वॉल, थिक वॉल्स। वेन्स कैरी करती है CO2 ब्लड, CO2 ब्लड, और ये कैरी करती है, मैंने यहां पर लिख दिया है कहां से, बॉडी टू हार्ट। और यहां पे वॉल्स प्रेजेंट होती है, वॉल्स प्रिवेंट करती है कि बैक फ्लो ना हो, VAVES वॉल्स प्रेजेंट होती है, और यहां पे कोई वॉल्स नहीं होता। आर्टरीज में कोई वॉल्स नहीं होता। एक होता वॉल मतलब दीवार चारों तरफ की सरफेस, और वॉल्स मतलब प्रिवेंटिव मेजरमेंट जो कि ब्लड को वापस ना आने दे, एक ही डायरेक्शन में जाए, क्योंकि यहां वापस आ सकती है, क्योंकि प्रेशर कम होता है, पर यहां पे प्रेशर काफी ज्यादा होता है, और यहां पे प्रेशर आर्टरीज की वॉल्स थिक होती है। यहां पे ब्लड का डायरेक्शन क्या होता है? हार्ट टू बॉडी, और यहां पे डायरेक्शन क्या होता है? बॉडी टू। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लड की, ये पढ़ेंगे, ये फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ये बना होता है आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट से, और प्लाज्मा। प्लाज्मा चार चीज से मिलकर ब्लड बनता है, और हमारे बॉडी में इनको फ्लो कराना यानी पंप करना, तो पंपिंग डिवाइस होता है हमारे बॉडी में, जो कि कार्डिक मसल से बना होता है, जो कि है ह्यूमन हार्ट। कितना बड़ा होता है? अपनी मुट्ठी बंद करो, क्लोजिंग फिस्ट, कितना बड़ा होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट एज अ फोर चैम्बर, अरे बनाते हैं चलो, अरे इतना बड़ा, इतना लिक्विड पे बनाते हैं। पहले समझाते, फिर सारा नोट्स अभी डिक्टेट कर देंगे, नोट्स में इतना हो जाएगा, पहले समझ लो। ये पतली बनाना है, अले कितना मार्क मिला तुमको? अले गुड गुड मिला, नंबर नहीं मिला,
जियोग्राफी तुम्हारा स्कूल क्यों नहीं गए थे भाई? बढ़िया है, इसका नंबर एक नंबर कटा है। कहाँ कटा है? एक नंबर एमसीक्यू में कटा, डैमेज टू क्रॉप कॉजेस बाय द हैवी रेन, इसमें कटा है, बाकी सब जगह पढ़ रही है। गुड, ये मेंटेन रखना है, नजर नहीं लगनी चाहिए पढ़ाई को। बढ़िया, अच्छा नंबर, गुड। थर्टीन में से ना फिजिक्स में आपके हो गए तो अभी तक, अच्छा केमिस्ट्री नहीं मिला ना, दार पता किस बात का केमिस्ट्री का ही पता है। बायो तुम कितना पाई थी? 12 आउट ऑफ 14 ना, तो ये कितना नंबर हो गया? 27 हो गया, 27 में से आपका हो चुका है 20। अब बचा गया केमिस्ट्री से, बचा है केमिस्ट्री में डर। चलो बढ़िया नंबर है, गुड, ये मेंटेन रखना है, ठीक है, इसको नीचे ले आना है। हाँ जी, नेक्स्ट है, ये हिस्सा मिटा है, दूर वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट मिटा है इस साइड का। देखो अब ह्यूमन हार्ट में देखो कैसे काम करता है हमारा ह्यूमन हार्ट है। हाँ, ये मैं एक्सप्लेन करूँ, सभी नोट्स बनेंगे, अभी इतना लिखा हूँ फ्लोचार्ट, इन सब के नोट्स बनाएंगे, अभी डिक्टेशन चलेगा। देखिए कैसे होता है, लंग्स बॉडी हार्ट, हमारे हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? चार। पार्ट्स दो होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होता है, चैम्बर इसके चार होते हैं, चैम्बर इसके चार होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। एट्रियम और वेंट्रिकल्स में हमारा हिमालय पट्टा होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स। ऐसे तो राइट लगेगा, बट हम ऐसे देखते हैं, ये वाला हिस्सा देखते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारा बॉडी तो कैसे फ्लो होता है, साफ खून जो है वो लंग्स से निकलता है और जाता है इसमें राइट लेफ्ट एट्रियम में जाता है। ये साफ खून जाता है, O2 ब्लड जाता है, O2 रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन लेके जाता है? यहाँ थोड़ा सा समझना बहुत आराम से। हमने सुना है कि वेन गंदा खून ले जाती है, CO2 ब्लड ले जाती है, लेकिन अगर उसके साथ एक वर्ड जुड़ जाए, पल्मोनरी वर्ड जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? तो पल्मोनरी वेन जो है वो साफ खून ले जाती है, पल्मोनरी वर्ड जुड़ना चाहिए। वेन वैसे CO2 ब्लड ले जाती है, लेकिन अगर पल्मोनरी जुड़ गया तो वो O2 ब्लड ले जाती है। फिर यहां से वॉल्व खुलेगा, यहाँ वॉल्व होता है वी फॉर वॉल्व, ये खुलेगा और ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। फिर यहां से ब्लड निकलेगा और जाएगा बॉडी में, बॉडी में ब्लड जाएगा, ये भी O2 ब्लड जाएगा, O2 रिच ब्लड जाएगा, और इसको लेके कौन जाएगा? आर्टरीज ले जाएगी, कौन ली जाएगी? आर्टरीज, और जो आर्टरीज, इसको अरोटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरोटा, मेन आर्टरीज होता है अरोटा बोलते हैं। बॉडी में यूज होने के बाद ब्लड क्या जाएगा? डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, वो जाएगा आपका राइट एट्रियम में, कहां जाएगा? ये फ्लोचार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा। हां लगा दिया मैंने, ये इस आईफोन इसलिए लगाया मैंने, ये ड्रॉप कर दिया, हां ये ड्रॉप कर दूंगा। तो राइट एट्रियम हो गया, सुनो सुनो, अब सुनो मेरी बात, राइट एट्रियम में ब्लड लेके कौन ले जा रहा है? ये लेके जाएगा मेन वेन, कौन ले जाएगा? मेन वेन, उसको बोलते हैं वेना कावा, क्या बोलते हैं? वेना कावा। तो ये ब्लड कैसा होगा? साफ है, गंदा गंदा होगा, व्हाट इज यूज्ड ना, CO2 रिच ब्लड होगा, डी ऑक्सीजनेटेड, डर्टी ब्लड मत लिखते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। फिर राइट आइट्रियल से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा, वॉल खुलेगा, वॉल पटाख से खुलेगा, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा और जाएगा लंग्स में, आ जाएगा, ये भी CO2 ब्लड है, ये भी क्या है? और ये ब्लड कौन लेके जाएगा? ये लेके जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वर्ड जुड़ते ही काम उल्टा हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, पी फॉर लिखते शॉर्ट फॉर्म में पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पूरा फ्लो है ना, जिस तरह से ब्लड का आना जाना है, इस फ्लो को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कैसे?
अगर आप ध्यान दोगे हर बार ब्लड दो पाथ फॉलो करता है, एक हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, पहला फ्लो, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, दो बार ब्लड जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज हम लोग वार्म ब्लड एनिमल है, we have to maintain our body temperature according to atmosphere. बाहर 55 है, but अंदर खून जो है 35 डिग्री है, हम 55 के लिए हम फिर बॉइल हो जाएंगे। प्लस हमें खून अलग करना, O2 CO2 अलग करना, because we need more energy to survive. इसलिए हम चार चैम्बर भी होता है हमारे बॉडी में, छिपकली में 3 चैम्बर होता है, मछली में 2 चैम्बर होता है, क्योंकि उनको इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना है, ठीक है, इतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब ह्यूमन हार्ट का मैं दो डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि बनाने को आता है, और एक एनसीईआरटी में दिया है, तो एनसीईआरटी में थोड़ा टफ है, कोशिश करो सीख जाओगे, मैंने कभी कोशिश नहीं किया। मैं सबसे आसान वाला बनाता हूँ, ये देखो, पान का पत्ता बनाना है, कैसा बनाना है, पान का पत्ता, या कह लो हेलमेट टाइप का नहीं बनता है कैसे कुछ, ठीक है, इसके दो पार्ट शिफ्ट करना है, इस पार्ट को कहते हैं सेप्टम, ये जो पार्ट पड़ता है इस, ये मस्कुलर पार्टीशन होता है, इस मस्कुलर पार्ट को कहते हैं सेप्टम, क्या बोलते हैं, सेप्टम। उसके बाद यहाँ पे वॉल है, अच्छा दो तरह के वॉल होते हैं, ट्राइकप्सिप और बाइकप्सिप, ट्राइकप्सिप मतलब तीन वॉल एक साथ लगे होंगे, बाइकप्सिप मतलब दो वॉल। वॉल क्या होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कुकर, जाके देखना घर पे, सीटी के बगल में छोटा सा वॉल लगा होता है, तो अगर मान लो सीटी ना दे कुकर का, तो वो वॉल फट जाता ताकि जो है कुकर ना फटे। वॉल इज अ सेमी मेम्ब्रेन ऑर्गन, प्रिवेंट करता ताकि जो है ब्लड फ्लो करता है बैक फ्लो ना करे। वॉल्स और वॉल का अंतर है, वॉल मतलब दीवार और वॉल्स, इन दोनों को मैं सेमी करता हूं। अब सुनना है यहां पे, ये हिस्सा है लेफ्ट एट्रियम का, किसका, लेफ्ट एट्रियम है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या है, ये है आपका लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ये आपका है राइट एट्रियम। अब सुना, इसमें ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, कौन लेके आएगा, फ्लोचार्ट वहां बना हुआ है, पल्मोनरी वेन लेके आएगी, कैसा ब्लड लेके आएगी, O2 ब्लड, यहां से ब्लड आएगा पटाक से, वॉल खुलेगा और यहां पे जाएगा, ठीक है। अब यहां से जाएगा कहां पे, बॉडी पे, कहां जाएगा, बॉडी, और कैसा ब्लड होगा बॉडी को जाएगा, तो O2 ब्लड, कौन लेके जा रहा है, अरोटा, कौन ले जा रहा है, फिर बॉडी से ब्लड कहां आएगा, राइट एट्रियम में, कहां आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, कैसा आएगा, CO2 ब्लड आएगा, कैसा आएगा, ये सारी बातें जो बता रहा हूं नोट्स में मैंने पॉइंट्स पे लिखे हुए हैं, मैं पढ़ोगे 22 पेज वाले नोट्स नहीं है, मास्टर न्यू मास्टर नोट्स में उसमें लिखे हुए सारे स्टेप्स पर, ओके। तो ये कौन लेके आ रहा है, लेके कौन आ रहा है, ये वेना कावा लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, वेना कावा लेके आ रहा है, फिर ऐसे वॉल्व खुलेगा, फिर इसमें जाएगा और यहां से कहां जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, ब्लड जा रहा है लंग्स में, कैसा ब्लड है ये, CO2 ब्लड, कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी, ये है फ्लो चार्ट, ये है ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया होगा, नीला वाला जो पार्ट है वो साफ खून है, शायद या लाल वाला है, ऐसा कुछ देखिए, नीला वाला गंदा खून है, और साफ वाला जो है जो है रेड वाला जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बना लो ये वाला, बनाओगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, वो वाला बनाओगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, और एक और है बनाना तो सिखा दूंगा, जब डबल सर्कुलेशन बोलेगा तो ये बनाना पड़ेगा, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा डबल सर्कुलेशन, हाँ वही है जो यहाँ पे है, वही है उसको बॉक्स कॉल करते हैं। डबल सर्कुलेशन लिखा होगा ना, उसमें वाला किसी में करना कम बना लिए, दो-चार बन गया था सबके में, दो-चार सब ने बना लिया, ये वाला बना, लंग्स के ऊपर एक और मसल मसल होती है जिसको बचाती है, इसको कहते हैं पैराकार्डियल मसल, लंग्स कह रहा हूँ, ह्यूमन हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है इंजरी से,
इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको प्रोटेक्ट करती है, इसको बोलते हैं पैराकार्डियम, पैराकार्डियम मसल। क्या बोलते हैं? पैराकार्डियम टिश्यू कह सकते हो, सेल कह सकते हो, पैराकार्डियम सेल कह सकते हो। क्या ऊपर लंग्स है? हाँ, ये ब्लड जाएगी बॉडी में, कहाँ जाएगी? और ये जहां कहाँ जाएगी? ये जा रही लंग्स को, कहाँ जा रही है? ये लंग्स से आ रही, फ्रॉम लंग्स यार, ये फ्रॉम बॉडी ठीक है। ये होगा टू लंग्स, ये होगा टू बॉडी फ्रॉम लंग्स, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक और बनाते डायग्राम, ये बनाया नहीं मित्र, वो चार्ट नहीं बनाया, किसने बनाया होगा? फोटो सेव कर लेना, चलो मैं दे दूंगा चार्ट, चलो अभी दे दूंगा। अब देखो एक और डायग्राम सुनो, ये डायग्राम एक और बनेगा, दोनों में से जो आपको समझ आया वो बनाना। ये डबल सर्कुलेशन का डायग्राम, ये कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बॉडी। ये हिस्सा है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। ये है सेक्टम, ये जो हिस्सा है नीचे वाला ये है वेंट्रिकल, ये है आपका राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट। लेबलिंग करते हैं, जो सही लगे वो बनाना, ठीक है। ये आपका क्या है, यहां से आ रहा है, ये लेके आ रहा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम पे कौन लेके आता? मेन वेन, मेन वेन यानी वेना कावा, कौन लेके आएगा? वेना कावा, ये ब्लड लेके आएगी। और वेना कावा कौन सी ब्लड लेके आती है? फ्लो चार्ट चेक करो, हैं? वो CO2 ब्लड ना, ठीक है। फिर ऐसे ब्लड आएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ब्लड निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं बता रहा हूँ, कहाँ लेके जाती है? लंग्स को लेके जाती है, ठीक है, लंग्स को ले जाती है, टू लंग्स ठीक। फिर यहाँ पे ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ये लेके जाती है अरोटा, मेन
आर्टरी कहां ले जाएगी, बॉडी कहां ले जाएगी, बॉडी को। यहां पे लेफ्ट एट्रियम में कौन लेके आता है ब्लड, पल्मोनरी वेन लेके आती है, कहां से लेके आती है, फ्रॉम लंग्स, कहां से, फ्रॉम लंग्स। और ये मसल जो है वो है पेरिकार्डियम मसल, पेरिकार्डियम मसल इसको प्रोटेक्ट करती है। ये है सेप्टम, सेप्टम जो सही लगे वो बता देना, ज्यादा सा यही होगा। ग्रीटिंग कार्डों में दिल नहीं होता है, बना दिए मेरा चले ऐसे ऐसे बनाता है ना, ऐसे तीर लगा दो, ये नहीं बनाना होता, पेपर में ना बना देना, ठीक है, पेपर में ये बनाना और एक्सप्लेन करने का मैकेनिज्म आएगा तो वो इंसेंटिव लगा दे तुमने और टॉपर हो तुम, तो एनसीईआरटी बनाई हो, एनसीईआरटी वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं ये वाला एनसीईआरटी आता है, ठीक है जी। अब ये अब हम हैंड डालिए डबल सर्कुलेशन, क्या डालिए डबल सर्कुलेशन, ये जो पूरा फ्लो है ना ये मैं लिखवा नहीं रहा, क्यों नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने नोट्स दिया हुआ तो उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कहां मिलेगा आपको, देखिए एक है मास्टर नोट्स ओल्ड, मैं पिन कर दूंगा मास्टर नोट्स ओल्ड, वहां पे भी 5 पॉइंट्स में सब लिखा है कि कैसे कैसे ब्लड आएगा, क्योंकि लिखने को जब आता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड तो पॉइंट्स, अभी तो मैं हिंदी में आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपको इसको पॉइंट्स में लिखना है कि फर्स्ट ब्लड फ्रॉम लंग्स टू यहां या वॉल्स ओपन होगा ऐसे से जाएगा, पूरा 5 पॉइंट्स लिखना होगा। दूसरा मास्टर नोट्स न्यू, कोई एक फॉलो करना है, 10 नहीं करने, ठीक है, मास्टर नोट्स न्यू आपकी मर्जी है, दोनों से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई क्यों उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तक है ना, उसमें कहां तक बताओ, पढ़ के देखो जो क्वेश्चन आंसर वाला दिए थे हैंड के जो नोट्स है उसमें पार्ट्स, 4 पार्ट्स में है ना ये, हां तो बस उसके आगे है नहीं, उसमें उसके आगे मैं लिखवा रहा हूं, मैं 21 पेज इसमें आपने से कितना लिखा, 21 पेज में केवल डाइजेस्टिव हुआ, अगर पूरा लिखेंगे तो 60 पेज का होगा, तो हमने कहा यही लिखवा लेंगे, यहां लिखवाएंगे ना, लिखिएगा डबल सर्कुलेशन, हेडिंग है मिटा दे सारा बेटा, वीडियो डालो जरा प्लीज, डबल सर्कुलेशन, हेडिंग है डबल सर्कुलेशन, लिखिएगा अ सर्कुलेटरी सिस्टम A circulatory system in which the blood travels twice through the heart heart in one complete cycle of the body is called double circulation, line change करके उसमें point number 1 लिखिए, पॉइंट नंबर 1 है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे था, ये लंग्स है, ये हार्ट है और ये बॉडी है, तो लंग्स से हार्ट और हार्ट टू लंग्स इस साइकिल को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन पीसी, और हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट इस सर्कुलेशन को बोलते हैं एससी, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पहला लिखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में एक लाइन, इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम
in the human circulatory system, the path of blood, the path of blood from heart to lungs and back to heart. फिर सुन लेना, from heart to lungs and back to heart is known as pulmonary circulation. Systematic में लिखना, systemic में लिखना, the path of blood from heart to rest of body and back to heart इसको बोलेंगे हम लोग systemic circulation. सवाल वही फिर से, वही double circulation, वही है कि वहां पर वही एनर्जी ज्यादा चाहिए, है ना, साफ खून चाहिए, ऑक्सीजन. और मैं भी लिखवा दूंगा, बोर्ड का क्वेश्चन है उसमें हो जाएगा. अभी लिखवा दें लास्ट में पीवाई बताएंगे. ये तो हो गया किस चीज का, ह्यूमन हार्ट का, है ना. अब आ जाइए आप आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज. इसमें मैंने वो बना दिया था क्वेश्चन फॉर्म में, बना दिया उसको कि राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन. Blood vessels which carry oxygenated blood from heart to various cell and tissue in the body. Second point लिखिएगा, the blood flow under pressure comma the walls are elastic and thick. The walls are elastic and thick. Third point, walls are not present as arteries carry oxygenated blood. Fourth point, arteries are deep seated मतलब बहुत ही अंदर, मतलब मसल के अंदर होती है. आपको जो दिखती है वो वेन्स दिखती है, मतलब देखो आप हरा हरा या नीला पीला पीला दिख रहा है, जो भी ये वेन्स है, क्या है ये वेन्स है जो दिख रही है, वो वेन्स है. आर्टरीज नहीं दिखती है, आर्टरीज बहुत नीचे होती है, मसल के अंदर होती है, डीप सीटेड होती है. वेन्स में पहला पॉइंट लिखिए, आर्टरीज आर डीप सीटेड, SEATED क्या लिखा मैंने, आर्टरीज आर डीप सीटेड.
वेन्स में पहला पॉइंट लिखिएगा ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यूज टू द हार्ट सेकेंड पॉइंट एज द ब्लड फ्लोज विदाउट प्रेशर द वॉल्स आर थिन नॉन इलास्टिक थर्ड पॉइंट वॉल्स आर प्रेजेंट सो दैट रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड इज नॉट देयर एज वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे कभी पाइप वगैरह तुम गार्डनिंग में पानी डालते हो तो जब मोटर बंद करते होगे तो पानी पीछे की तरफ जाता है पाइप में, जाता देखा कभी? क्योंकि उतना प्रेशर रहता नहीं है, लेकिन जब मोटर जब तक चलती है जब तक टैप खुला हुआ तब तक पानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। जैसे टैप बंद गया, मोटर बंद गया, तो थोड़ा सा पानी बैक फ्लो हो जाता है, पीछे की तरफ हो जाता है पाइप के अंदर, तो वापस ना जाए इसलिए वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होती है। फोर्थ पॉइंट वेन्स आर सुपरफिशियली लोकेटेड, मतलब ऊपर की तरफ रहता है इसलिए दिख जाता है, ये वेन्स हमें दिख रही है अपनी स्किन में। Between the blood and body
सेल्स जी सेल्स टेक प्लेस टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज थ्रू कैपिलरीज नेक्स्ट छोटा हेडिंग है ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है स्पायरो गायरो मैनोमीटर पढ़ के देख लो वो मशीन बोलोगे ना पंपिंग इसमें बात करें कि रीडिंग आती है तो एक प्लेनर की रीडिंग होती है नॉर्मल इंसान रीडिंग होती है 120 अपॉन 120 अपॉन 80 120 अपॉन 80 ये रीडिंग होती किस लिए ऊपर वाले जो सिस्टोलिक प्रेशर नीचे वाला डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या चीज होती है ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर तो एक एवरेज एडल्ट की जो स्वस्थ है उसकी रीडिंग होती है 120 अपॉन 80 mm ऑफ Hg मतलब मर्करी की रीडिंग होती है जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोबैरोमीटर के 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर ये हमेशा कम होता है जब ये बढ़ेगा तो दिक्कत होता क्या है ये जो रीडिंग आती है ये रीडिंग आती है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपके आर्टरीज में ब्लड भेजता है बहुत ध्यान सुनना लिखवा भी दूंगा सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है ये वो सिचुएशन होता है दो तरह का प्रेशर होगा आपका पहला होगा सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होगा डायसिस्टोलिक प्रेशर डायसिस्टोलिक प्रेशर डायसिस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होगा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड को पंप करेगा आर्टरीज में दोनों आर्टरीज में ही होता है तब ये रीडिंग आती है डायसिस्टोलिक रीडिंग तब आती है जब हार्ट रिलैक्स होता है और रिलैक्स के समय आर्टरी में जो प्रेशर आती है ये आता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है या आता है जब हार्ट रिलैक्स होता है एक जो यंग बच्चे होते हैं उनका रीडिंग होता है 110/75 छोटे बच्चों का और जो अबव 60 एज होती है उनकी रीडिंग होती है आपकी 45 upon 90 ब्लड इज पंप ब्लड इज पंप अराउंड अराउंड द बॉडी अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड बीपी ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर इसमें पहला लिखिएगा आप लोग सिस्टोलिक प्रेशर इसमें लिखिएगा द मैक्सिमम प्रेशर एट विच the blood leaves the heart through the main artery ये important है through the main artery during the contraction phase is called systolic pressure. Systolic pressure से एक फायदा ये होता है कि ब्लड का जो फ्लो है एक डायरेक्शन में हमेशा मेंटेन रहता है दूसरा है आपका डायस्टोलिक प्रेशर
इसमें लिखिएगा द मिनिमम प्रेशर इन आर्टरीज, द मिनिमम प्रेशर इन, द मिनिमम प्रेशर इन आर्टरीज during the relaxation phase, during the relaxation phase of heart, during the relaxation phase of heart is called diastolic pressure. It's called the minimum pressure in artery during the relaxation phase of heart is called diastolic pressure. सही है, कोई दिक्कत?